विकासखंड मुख्यालय के समीप महागठबंधन के हुई जनसभा को लेकर राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद ने कहा कि चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, एकदम रघुवंश बाबू विकास पुरुष लोग खोज रहा है। पिछली बार भूल हुई, लोग ठगा गया, बहुत धोखा खाया। 5 साल तक रघुवंश बाबू हार के भी पूरे क्षेत्र में वैशाली लोकसभा में 5 वर्ष गरीब के सुख दुख में लगे रहे, विकास के लिए चिट्ठी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लिखते रहे। बड़ी भारी भूल हुई, इस बार रघुवंश बाबू भारी मतों से करीबन 3 लाख वोट से वैशाली लोकसभा से रघुवंश बाबू जीतेंगे। कहीं कोई मतभेद नहीं है, कोई सब महागठबंधन के वोट है ही। उसके बाद जदयू के विक्षुब्ध वोट भी, भाजपा कोई आधी पार्टी नहीं है, सारे पार्टी आके सारी जाति धर्म टूट गया और रघुवंश बाबू को वोट सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। विरोधी कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विरोधी कैंडिडेट के बारे में क्या कर रहे हैं? विरोधी हमारे रघुवंश बाबू विद्वान है, वो साक्षर है, कोई कहीं तुलना ही नहीं है। वो 10 वर्ष 5 वर्ष से जिला परिषद चलाई है, जो एक बार वार्ड पार्षद लोगों को वोट ले लिए और जीत गए, उसके बाद में फिर उनसे भी पूछने नहीं गए हैं। 5 साल तक दरवाजा बंद हो जाता है, वहाँ कहीं कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ न लागे राहुल माया, एक पेड़ के बाद में फिर तो सारा झांकने के क्या उपाय है? वहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ कोई मान सम्मान नहीं है किसी को भी जनता के। रघुवंश बाबू इस बार अपार बहुमत वोट से जीतेंगे, सभी वर्ग के वोट इनको मिल रहा है। मैं मोहम्मद हैदर आजाद, पूर्व राजद प्रत्याशी, छाती विधानसभा।